एक तरफ श्रीलंका और भारत ने मिलकर चीन को बुरी तरीके से ठोक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान, पाकिस्तान, अजरबैजान में जंग की शुरुआत हो गई। तो वहीं पाकिस्तान पे केन्या ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। श्रीलंका में चीन के प्रभाव से पश्चिमी देश भी भारत के साथ साथ टेंशन में थे, क्योंकि जब कभी होता था चीन इस इलाके में अपने सबमरीन्स भेज देता था और आराम से हम्बनटोटा पोर्ट में इसे खड़ा कर देता था, कभी ग्वादर पोर्ट में इसका इस्तेमाल करता था। चीन के लिए श्रीलंका एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित जगह बन गया था। अब भारत चीन को काउंटर करना चाहता था श्रीलंका में, लेकिन चीन का प्रवेश श्रीलंका की राजनीति में भी बहुत ज्यादा गहराता जा रहा था। भारत और जापान का एक प्रोजेक्ट था चीन के कोलंबो सिटी पोर्ट के पास में ही, और ये प्रोजेक्ट था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। अब चीन को लग रहा था ये बड़ा खतरा कि यहाँ पर अगर भारत का रणनीतिक रूप से ये पोर्ट रहा तो भविष्य में चीन के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जे के बाद से ही चीन रणनीतिक रूप से मजबूत होना चाह रहा था। जब हम्बनटोटा पोर्ट पे चीन ने कब्जा किया था तब भारत जैसे कई देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से श्रीलंका की सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल चीन मिलिट्री गतिविधियों के लिए नहीं करेगा, ये तय हुआ। लेकिन फिर भी अब जब प्रभाव बढ़ने लगा तो नियम और कानून बदलने में कितना वक्त लगता है। चीन ने इस तरीके से प्रभाव दिया कि वहां पर आम जनता को उकसाना शुरू कर दिया भारत जापान के प्रोजेक्ट को लेकर। अब फल ये हुआ कि भारत जापान के इस प्रोजेक्ट से श्रीलंका ने हाथ पीछे खींच लिए और ये प्रोजेक्ट की डील टूट गई। ईस्ट कॉरिडोर टर्मिनल से बाहर हो गया जापान और भारत। चीन हो गया बहुत खुश कि चलो बड़ा अच्छा हुआ यहाँ से निकल गए, पर अब श्रीलंका को समझ में आने लगा कि चीन की नीतियों में फंसता जा रहा है। जब से चीनी नागरिक सैनिक की ड्रेस में आकर तैनात रहने लगे, आम लोगों के लिए डर का वातावरण पैदा होने लगा। अब श्रीलंका को ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो चीन की कर्ज नीति में फंस चुका है और चीन का गुलाम बन रहा है। ऐसे में अब श्रीलंका भी चाह रहा है कि किसी तरीके से चीन के चंगुल से बाहर निकला जा सके और कम से कम ये हो कि चीन और ज्यादा कब्जा न कर पाए। इसके लिए श्रीलंका ने अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच अब $500 मिलियन की डील फाइनल हुई है और ये डील भारत के लिए बेहद जरूरी थी। ये डील वेस्ट कॉरिडोर टर्मिनल को लेकर है, जिससे चीन की रणनीति पर कब्जा करना आसान होगा, क्योंकि इसके बगल में ही है चीन का जेट्टी। चीन यहाँ क्या कुछ करता है ये सब कुछ भारत को पता रहेगा इस पोर्ट के माध्यम से। हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच ये पोर्ट व्यापारिक रूप से इस्तेमाल होने के लिए बना हुआ है, और आपको बता दें इस कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पे 51% की हिस्सेदारी भारत की होगी तो 34% की भागीदारी श्रीलंका की होगी। चीन को भारत का ये बड़ा तगड़ा जवाब माना जाता है श्रीलंका में। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। ईरान की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने अब तय कर लिया है कि वो ईरान से भिड़ेगा। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं अजरबैजान से लगती ईरानी सीमा, इस ईरानी सीमा में कई अजरबैजानी मूल के लोग रहते हैं। अब इन्हें संगठित करके अजरबैजान कोशिश ये कर रहा है कि ईरान के इन लोगों को अजरबैजान में मिलाया जाए, इनकी जमीन को भी मिलाया जाए। ईरान और अजरबैजान एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन दबी जुमान में रहे हैं। पर तुर्की और पाकिस्तान की एंट्री के बाद यहाँ पर माहौल खराब होने लगा है। आर्मेनिया पे जीत हासिल करके अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा हुआ है। ईरान पर भी कई तरह के आरोप लगाने के बाद अब पाकिस्तान ने अजरबैजान के जरिए ईरान पर एक्शन लेना शुरू किया है। दरअसल हाल ही में तुर्की और अजरबैजान ने कास्पियन सागर में युद्धाभ्यास किया, अब जिसके जवाब में ईरान ने अपने टैंक उतार दिए हैं, अपने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं और बड़े पैमाने पर ठीक अजरबैजान से लगती हुई सीमा पर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। ऐसा करने की ठोस वजह है। दरअसल अजरबैजान ने धीरे धीरे पहले ईरान के गाड़ियों को, वाहनों को रोकना शुरू किया, फिर लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अजरबैजान ने
ईरान की तरफ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब ईरान भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उतर आया है लड़ाई के मूड में। अब ईरान ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अपने लड़ाकों को इस क्षेत्र में भी भेज रहा है ईरान से टेंशन को बढ़ाने के लिए। वैसे इससे पहले पनसीर मामले में ईरान ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे, जिसके बाद से पाकिस्तान कई तरह के आरोप ईरान पर लगाता रहा है, जैसे कि ग्वादर पोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार ईरान है, ईरान ने सारी प्लानिंग की, चाबहार में ये प्लानिंग हो रही है, ईरान और भारत की साठगांठ है, वगैरह वगैरह। अब ईरान के ऊपर भी पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार छेड़ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की छवि अब दुनिया भर में कितनी खराब हो गई है, इसका अंदाजा आप नए एक्शन से ले सकते हैं। और ये एक्शन किसी और ने नहीं लगाया है, बल्कि ये अफ्रीका के देश केन्या ने लगाया है। केन्या ने दरअसल पाकिस्तान के साथ रिश्तों को अच्छे करने के लिए करीब एक महीने पहले फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार का संधि साइन किया था, जिसके बाद केन्या को ये लगने लगा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान का मामला उछल कर आ रहा है, तब केन्या को थोड़ा बहुत लगने लगा कि हाँ, पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ी है। पर फिर भी वहाँ के राष्ट्रपति को लगा कि व्यापार करने के लिए पाकिस्तान सही जगह है। अब ऐसे में केन्या ने पाकिस्तान को फ्री वीजा का ऑफर दे दिया। अब पाकिस्तान वो देश बन गया जिसे वीजा की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से केन्या में घुस जाता है। पर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद केन्या का दिलो दिमाग हिल गया और केन्या ने आनन फानन में सबसे पहले ये फ्री वीजा सिस्टम को बंद किया। दरअसल इन दिनों बड़ी संख्या में पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं केन्या में और केन्या की राजधानी में बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। जब इनके वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में जारी होने लगे और केन्या के प्रशासन तक ये पहुंचा, तो केन्या अंदर से काफी डर गया। केन्या ने एक्शन लेना शुरू किया उन्हें जिन्हें ये अफगानिस्तान के रिफ्यूजी समझ रहे थे, जब खोजबीन की तो पाया ये पाकिस्तान के नागरिक है। अब इतनी बड़ी भीड़ को देखकर केन्या डर गया कि उनके देश की सुरक्षा बुरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी अगर ये फ्री वीजा वाला सिस्टम बंद नहीं करते हैं। ऐसे में केन्या ने आनन फानन में ये ऑर्डर दिया कि ये फ्री वीजा जो पाकिस्तान के साथ है, सबसे पहले इसे बंद किया जाए। पाकिस्तान की साख के लिए ये बड़ा बट्टा लग चुका है। वैसे अब दुनिया भर के कई देश पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से केन्या ने इसका ऑर्डर दिया और लगभग सारे पाकिस्तानियों की अब जांच होनी शुरू हो चुकी है केन्या में। दुनिया भर में तो अब संदिग्ध हो ही रहे हैं पाकिस्तानी, केन्या भी अब पाबंदियां लगा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने श्रीलंका के साथ ये समझौता करके सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।